आज 18 मार्च 2024 है, चुनावी बिल्कुल बच चुका है। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी डेट अनाउंस कर दिए। मेरे ख्याल से शायद पहली बार ही हो रहा होगा कि 7 फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं। 19 अप्रैल को इलेक्शंस चालू हो रहे हैं और 1 जून को ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, कोई अपडेट उन्होंने दिया नहीं इलेक्शन कमीशन ने कि ये 7 फेज में क्यों हो रहे हैं। लास्ट फेज में कमाल की बात यह कि वाराणसी का लास्ट फेज में है। सारी कैंपेन पूरी करने के बाद मोदी जी का अपना इलेक्शन है, तो मतलब मोदी जी को पूरा टाइम मिलेगा अपना कैंपेन करने के लिए। आई एम श्योर एक नया चैनल भी चालू होगा जैसे 2019 में हुआ था। लेट्स सी कब चालू होता है ये चैनल। ये अपने बीजेपी का एक ऐड कैंपेन चल रहा है वॉर रोक दी, उस पर काफ़ी मजाक भी बन रहा है, काफ़ी मीम भी बन रहे हैं वॉर रोक दी के ऊपर। जनरली सोच ये है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर रिसेंटली मैं लल्लन टॉप का एक सौरभ द्विवेदी का जयशंकर जी के साथ इंटरव्यू देख रहा था और उसमें जयशंकर जी ने साफ बोला है कि वो जो बयान आया था फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसके कुछ दिनों बाद मोदी जी ने रशिया बात की थी। वहाँ पर वॉर रोकने वाली बात तो नहीं थी, बट हाँ उन्होंने बताया था कि आप इस जगह से निकलो तो आपको सेफ पैसेज मिल जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो बात पार्शली सच है पार्शली झूठ है कि वॉर रोक दी, पर हाँ मीम तो बन रहा है, उस बेचारी का कैरियर चल होने से पहले शायद ख़त्म ना हो जाए। दूसरा न्यूज़ आया है सिद्धू मूसेवाला के घर से, वहाँ पर एक बेबी बॉय हुआ है, लोग बड़े खुश हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद सिद्धू मूसेवाला वापस आ गया। भगवान ने चलो एक इस उम्र में से एक खुशी दे दी, एक गम भुलाने का एक सहारा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा एक बहुत ट्रेंडिंग खबर चल रही थी एलविश यादव की, मुझे तो वो आदमी कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, जीता है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, फिलहाल वो गिरफ्तार हो गया, 14 दिन की उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों से हरकतें कुछ ऐसी हो रही थी और ये जो भेजा गया है उसको पीएफए के कंप्लेंट के ऊपर भेजा गया है, जिसमें कि वो कथित रूप से रेव पार्टी के लिए स्नेक वेनम, स्नेक का जहर सप्लाई करवा रहा था किस लोगों के थ्रू। उस टाइम 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो लिटरली देखा था, जब सुना था नवंबर में ये खबर, मैं हैरान रह गया था कि किस किस तरह के नशे होते हैं। मतलब बहुत, मैं बात नहीं करूँगा नशा किस किस तरह का करते हैं लोग, पर कि स्नेक वेनम, मतलब कि स्नेक के बाइट से डर लगता है, स्नेक आसपास गुजर डर लगता है। और विश्वास मानिए, मैं मुंबई में कमरे में रहता हूँ, मेरे आसपास जंगल है, मुझे कल लगा कि स्नेक ना आ जाए। मतलब न्यूज़ सुन सुन के ऐसा लग रहा था कि स्नेक मेरे सर कमरे में ना आ जाए। तो थोड़ा सा अजीब सी चीज़ें हैं, बट ठीक है, लेट अगर उसने किया है ऐसा तो उसको ज़रूर सजा मिलनी चाहिए। कल्पना चावला जी को बर्थडे की हार्दिक बधाइयाँ मेरी तरफ से, भगवान करे और ऐसी लड़कियाँ हमारे देश में पैदा हों। नमस्कार, जल्दी दोबारा मिलते हैं।